विधिवत विधि से कुंती ने किया पवन देव का ध्यान। हुआ जन्म श्री भीम का महावीर बलवान। कहने लगे रानी कुंती से कि देखो प्रिय, पहला पुत्र जो हमारा हुआ है वो धर्मराज होगा, सत्यवादी होगा, और सत्यवादी धर्मराज बल से हीन व्यक्ति राज तो चला नहीं सकता। इसलिए मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि अब की तुम एक तेजस्वी बालक के लिए यानी बल वाले बालक के लिए वायु का ध्यान करो, ताकि यानी पवन देवता का ध्यान करो, जिससे एक हमारा बलवीर पुत्र हो। विधि से कुंती ने पवन देव का ध्यान किया और उनके ध्यान करने से मित्रों एक बड़ा ही बलवान बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया। बोलिए हनुमंत लाल की। आज भीम का चेहरा देख करके राजा और रानी दोनों अपार प्रसन्न हो जाते हैं। लख कर चेहरा दूसरे सुत का हर्षाए गए राजा रानी। मुँह चूमा इतने में तो वहां पर हुई मनोहर नभवानी। श्रेष्ठ कहाएगा निश्चर तक भीषण मुख आकर इसको न जीतने पाएगा। दूसरे बेटे का सुंदर मुखड़ा देख करके राजा और रानी अपार प्रसन्न होते हैं, और तब तक की आकाशवाणी होती है कि जाओ ये बेटा जो है तुम्हारा बलवान व्यक्तियों में सबसे बड़ा बलवान कहलाएगा। अरे मनुष्य की गिनती क्या है, निश्चर तक भी इसके सामने आकर इससे लड़ करके कभी भी जीत कर नहीं जाएगा। जानते हो मित्रों भीम कितने बलवान थे, इनका एक बचपन का नमूना आप बलवानता का देखिए। एक रोज की बात है कि एक रोज भीम को गोदी में ले बैठी थी कुंती माई, इतने में अचानक नाहर की सुन गरज बेतरा घबराई। माता कुंती भीम बेटे को गोदी में लेकर के बैठी हुई थी, इतने में वन में कहीं जोर से सिंह यानी शेर के गरजने की आवाज आई तो मां कुंती बिचारी घबरा गई। कुछ ख्याल ही नहीं रहा कि गोदी में हमारे बेटा भीम बैठा है। फौरन माए डर के भाग पड़ी, और भागने से हुआ क्या कि जो भीम गोदी में बैठे थे वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जब नीचे गिरे तो नीचे एक चट्टान पड़ी हुई थी, उस चट्टान पर बड़ा जोरों से गोदी से भीम गिर पड़ते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि भीम समाप्त हो जाते, मगर वहां उल्टा ही हो गया। जानते हो क्या हुआ, कुछ ख्याल रहा नहीं गोदी में से चट्टान टूट कर चूर हुई। गिर पड़े भीम गोदी में से चट्टान टूट कर चूर हुई।
जैसे भीम गिरे चट्टान पर तो भीम पर तो कोई असर नहीं आया, चट्टान जो है वो चकनाचूर हो गई। ऐसे बलवान बेटे को पाकर मित्रों कौन माता पिता अपने मन में प्रसन्न नहीं होंगे। क्या हुआ, बड़ा प्रसन्न होते हैं, अपने मन में विचार करते हैं राजा पांडु और कुंती। सोचा सब दुनिया में होगा ये पुत्र महारथ बलवानी, तन की ऐसी दृढ़ ताई लखू हो गए मगन राजा रानी। फिर एक पुत्र का मुख देखूं ऐसा ख्याल नृप को आया, कर ध्यान इंद्र का निज मन में, कुंती को ऐसे समझाया। जिसने निर्यासा का समुद्र कर दिया बदल कर आशा का, सुत का अब तुम भी ध्यान धरो रानी, देवों के इस सची पत का। कांतिवान वैसे ही सुघड़ लड़का देंगे इस अनुपम बालक को पाकर, हम अपने दुख भुला देंगे। पुत्रों का सुख पा करके एक दिन राजा पांडु कुंती से कहने लगे, हे प्यारी, ये दुर्वासा ऋषि ने जो हमको मंत्र का जाप तुम्हें सिखलाया है इसके हम जीवन भर आभारी रहेंगे। हमारी ये इच्छा है कि हम एक तीसरे पुत्र का मुख और देखें, इसलिए हमारा हृदय ये कहता है कि जो देवताओं के सबसे बड़े देव हैं इंद्र महाराज, उनका तुम ध्यान करो ताकि वो अपने जैसा ही एक सुंदर लड़का हमको अवश्य देंगे। पति की आज्ञा को सुनकर के मित्रों कुंती ने तीसरी बार उस मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से आज जो है वो इंद्र महाराज सामने आते हैं और उन्होंने एक पुत्र का वरदान दे करके अपने स्थान को प्रस्थान किया। इनके आशीर्वाद से एक पुत्र उत्पन्न होता है जो आगे चल करके अर्जुन के नाम से इस संसार में व्याख्यात हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हुए प्रकट जिस समय में श्री अर्जुन रणधीर, गगन गिरा गंभीर तब हुई द्रगन दुख पी।
आज आकाशवाणी होती है, हे पांडुराज, ये सुत जो तुम्हारा बेटा है, ये धनुष बाण की विद्या में संसार में सबसे बड़ा होगा। ये गाय का और ब्राह्मणों का संसार में रक्षा करने वाला होगा, त्रिलोक में विख्याति होगा, शत्रु के लिए ये विनाश करने वाला होगा। सुंदरता में इसके समान संसार में कोई नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर महाराज पांडु का हृदय आनंद से भर गया। इधर देखिए क्या हुआ, जो छोटी रानी माद्री थी यानी कुंती से छोटी, वो एक दिन कहने लगी राजा पांडु से, हे स्वामी, अगर दीदी या जीजी कुंती ये मंत्र मुझको भी सिखला देती तो शायद ईश्वर की कृपा से मेरे भी एक दो बालक उत्पन्न होते और मेरी गोद भी हरी भरी हो जाती। यदि आप कृपा कर कुंती से कह मंत्र मुझे भी सिखलाएं तो मेरे भी प्रभु कृपा से दो एक सुघर सुत हो जाएं। तो कहां पांडु ने कुंती से माद्री का संभाल, कुंती ने उस मंत्र को बता दिया तत्काल। फौरन ही कुंती ने अपनी छोटी रानी जो थी, छोटी सौत माद्री से वो मंत्र बता करके उसको पूरी विधि समझा दी। खुश होकर के माद्री ने उस समय क्या किया, अश्वनी कुमारों का ध्यान किया। उन्होंने आकर के फौरन ही झट वरदान दिया, जिससे भैया दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए, एक का नाम नकुल और एक का नाम सहदेव रखा गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से मित्रों ये पांच पांडव उत्पन्न होते हैं महाराज पांडु के, पांच पांडव उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस खुशी में आओ एक छोटा सा सोहर हम आपको सुना दें। तो आइए सोहर का आनंद आप लोग लीजिए। हो लल्ला भाई है हल्ला दारो ना बेकार राजा, लल्ला भाई है हल्ला लल्ला भाई है हल्ला दारो ना बेकार राजा, लल्ला भाई है हल्ला दारो ना बेकार राजा, ऐसे लल्ला भाई है हल्ला दारो ना बेकार राजा, जान पई है सासु चेरुआ चढ़ावे राजा, लल्ला जान पई है सासु चेरुआ चढ़ावे राजा, चेरुआ चढ़ाने कंगना ले जाई है निकार राजा, चेरुआ चढ़ौनी कंगन ले जाई है निकार राजा, लल्ला भय है हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला जान पई है गुधवा पियावे राजा, लल्ला जान पई है गुधवा पियावे राजा, गुधवा पियौनी नथनी ले जाई है निकार राजा, दुधवा पियौनी नथनी ले जाई है निकार राजा, लल्ला भय है हल्ला दारो ना बेकार राजा, लल्ला भय है हल्ला दारो ना बेकार राजा।
छोटी की पूरी पिसावे राजा, लल्ला जान पई है छोटी की पूरी पिसावे राजा, पूरी पिसावे राजा, पूरी पिसावे राजा। लल्ला जान पई है छोटी की पूरी पिसावे राजा, पिपरी पिसौनी, पिपरी पिसौनी, पिपरी पिसौनी झुमकी ले जाई है निकार राजा, लल्ला भये है हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला जान पई है नंदी छटिया धरावे राजा, लल्ला जान पई है नंदी छटिया धरावे राजा, छटिया धरौनी तिलरी, छटिया धरौनी तिलरी ले जाई है निकार राजा, लल्ला जान पई है देवरा मुरली बजावे राजा, लल्ला जान पई है देवरा मुरली बजावे राजा, तो मुरली बजौनी में क्या लेंगे, मुरली बजौनी कैसठ महावीरा मंगावे राजा, मुरली बजौनी कैसठ महावीरा मंगवावे राजा, लल्ला भये है हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भये है हल्ला, बोलिए कृष्णचंद भगवान की। हरे भरे थे वृक्ष सब और फूल रहे थे फूल, लता कुंज सुंदर बने हृदय हरण सुख मूल। मेरे प्यारे श्रोताओं भाइयों, पांचों पांडवों को पाकर यानी पांडु महाराज अपने पांच पुत्रों को पाकर के अपना जीवन आनंद से सुख से बिताने लगे। अब देखिए होनी आगे क्या करती है। यों हुए पांडु के पांच पुत्र, लखी ने सभी सुख पाते थे, करते पालन पोषण हित से आनंद से समय बिताते थे। काफी समय बीत गया, अब देखिए होता क्या है। सुख में आज महाराज पांडु अपना श्राप भूल गए, इस तरह बहुत दिन बीत गए, राजा को साप सुधी ना रही, पुत्रों में मगन हुए हैं ऐसे सब क्रिया योग को भुला गई।
ले माद्री को वन में पहुंचे प्राकृतिक दस दिखलाने को। आज खुशी खुशी में ये भी भूल गए कि हमको मुनि ने कोई श्राप दिया है। एक दिन की बात है, बड़ा बसंत ऋतु चल रही है, प्राकृतिक दृश्य को दिखाने के लिए अपनी छोटी रानी माद्री को वन में ले गए। एक जगह क्या देखा, बड़ा सुंदर दृश्य इनको नजर आया। कैसा सुंदर दृश्य, साक्षात ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कामदेव ने आकर अपनी माया बिछा दी हो। सिमिटी तालाब बढ़े उधर तालाब देव, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। तड़पाती है नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा। नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा, नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। बहुत बड़ी गलती यहां पर कर बैठे अपनी रानी माद्री के साथ। लखप्रिया का अनुपम रूप भूप अज्ञान हुए सुधि भूल गए। एक लता कुंज में जा पहुंचे और बिहार में मशगूल हुए। माद्री ने बहुत रोका, स्वामी ऐसा आप ना करें क्योंकि ये आपके जीवन का अंत होगा, मगर होनी कर ही रहती है। गोमाद्री ने तो रोका भी पर होनी शीश सवार हुई। अस्तु उसकी कुछ चली नहीं, वा विवश और लाचार हुई। आखिर को वो ही बात हुई, मुनिसाप ने अपना काम किया, जिससे राजा की आत्मा ने तन को तज कर सुरधाम लिया। आखिर को मित्र वही बात होती है जिस बात का डर था, मुनि का श्राप सच हुआ और अपनी रानी के साथ विहार करते ही महाराज की मृत्यु हो गई, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मार दो कर शीश पर रानी हुई अचेत, इतने में कुंती वहां पहुंची सुतन समेत। वह भी आरंग देख कर और गिरी मूर्छा खाए, पुत्रों के सुख से तभी निकली दुख की हाय। आज जब पति को मरा हुआ देखा तो कुंती अपने पुत्रों के समेत हाय हाय करने लगी। जब हाय हाय का शब्द हुआ, पशु पक्षी सब अपू लाए गए। घबराए
गए ऋषि मुनि सारे, झटपट समीप में आए गए। मचा हुआ है। छोटी रानी माद्री कहती है, हे बहना कुंती, मेरे कारण ही पति ने अपने प्राणों को त्यागा है, इसलिए मैं अपने पति के साथ सती होऊंगी। आगे से मेरे बच्चों की देखभाल तुम ही करोगी, मुझे विश्वास है इनको ज्ञान धर्म सिखलाओगी, असली माता का प्यार उनको दूंगी। इतना कहते हुए माद्री भूमि पर पछाड़ खा करके गिर जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। जिस समय महाराज पांडु के मरने की खबर हस्तनापुर में जाती है मित्रों, तो गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, अंबिका रानी, सत्यवती, इन सभी की आंखों से जल की धाराएं बह रही हैं। महाराज भीष्म ने सुंदर दो विमान तैयार कराए, दो चिताएं तैयार कराई गईं। एक चिता पर आज रानी माद्री को लिटाया गया और एक चिता पर महाराज पांडु को लिटा करके अग्नि दे करके दो शरीर जो हैं वो प्रभु में आज लीन हो गए। इधर एक दिन वेदव्यास मुनि आते हैं और एकांत पा करके रानी सत्यवती से कहते हैं कि हे रानी सत्यवती, अब सुख के दिन तो बीत गए, अब आगे जो है वो घोर दुख का समय आने वाला है। पृथ्वी का यौवन काल चला गया, अब पृथ्वी की प्रौढ़ावस्था आने वाली है। कुछ दिन में यहां से राज लक्ष्मी जो है वो नष्ट होकर के रसातल को जाने वाली है। ये जो दुर्योधन बेटा है ना पैदा हुआ, ये जन्म से बड़ा अशुभमयी है, ये निश्चय ही हानिकारक बनेगा। इस कौरव कुल का संसार में कोई भी अब उद्धार करने वाला नहीं होगा। अंधे ने इसे त्याग किया, क्षय होगा ये सच्ची जानो, जैसी कुछ होनी होती है नहीं टलती है ये पहचानो, इसलिए यहां से कूच करो वरना नव दुख सहना होगा, यदि सच्चे सुख की इच्छा है वन में जाकर रहना होगा। इसलिए रानी चलो, इस हस्तनापुर को छोड़कर के वन में चलो और अपने दूसरे जन्म को सुंदर बनाने के लिए सुंदर प्रभु का नाम लेकर कार्य करो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, बालपन बीता यौवन काल भी जाने को है, बालपन बीता यौवन काल भी जाने को है, अब तो कुछ दिन में बुढ़ापा, अब तो कुछ दिन में बुढ़ापा शीश पर आने को है, कुछ तो हरि के नाम को, मौत का हथियार अब, मौत का हथियार अब मस्तक से टकराने को है, मित्रों क्या होता है, तीनों ने मुनि वाक्य सुन और गवन विपिन में कीन,
मोच पान की चाह में जप तप में मन दीन, सियापति रामचंद्र की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों ये हमारे पांडवों की जन्म की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कहानी आपको पांडवों की अस्त्र शिक्षा नामक कथा में आपको सुनने को मिलेगी। तो चलते चलते वही शब्द फिर दोहरा रहा हूं। बालपन बीता वयौवन काल भी जाने को है, भूल कर गुजरे समय को ध्यान का आगे करो।